आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो हमको मालूम होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में क्या होता है, हैविंग सेम साइड्स, यानी कि मेजरमेंट्स रिमेन सेम। सेकंड होता है आपका हैविंग सेम और इक्वल एंगल्स। ठीक है, अब इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर कितने साइड्स होते हैं, थ्री साइड्स। और कितने एंगल होते हैं, वन टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स, थ्री एंगल्स। ठीक है, अब थ्री एंगल्स होते हैं तो थ्री एंगल्स का सम हमारा क्या होता है, तो थ्री एंगल्स का सम हमारा होता है 180 डिग्रीज। सो नेक्स्ट इज सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ईच एंगल कितना हो गया हमारा, ईच एंगल हमारा कितना हो गया 60 डिग्रीज का। ठीक है, अब इस टाइप का ट्रायंगल हमको बनाना है, देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, आपको एक रे बनानी है। क्या बनाना है, ए वन रे। कंस्ट्रक्शन आप अपने आप ही लिखना, मैं सिर्फ बता रहा हूं। आप एक रे बनाएंगे, रे इज आवर ए, यहां से शुरू होगा और एक रे बना दिया हमने। टेक अ मेजरमेंट, एक मेजरमेंट लेंगे आप कंपास के ऊपर, दैट मे बी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर्स, आपकी मर्जी है। हम उसको लेते हैं 5 सेंटीमीटर्स। तो हमने कंपास के ऊपर एक मेजरमेंट लिया, दैट इज 5 सेंटीमीटर। फिक्स किया कंपास 5 सेंटीमीटर एंड मेक अ कट मार्क, दैट इज अवर बी, मेक अ कट मार्क दैट इज अवर बी। ठीक है, तो यहां से यहां तक हमारा कितना हो गया, इट्स 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगेन मेक सेम चीज, फिर से आपको क्या करना है कि एक रे इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी बनानी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि एक सेमी सर्कल बनाना है। यू हैव टू मेक वन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल जो हमारा बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, सेमी सर्कल में आपने जो भी यहां से लेके यहां तक, दिस इज अवर सी and this is our D, A and D, मैं suppose हमने लिया 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 2 सेंटीमीटर लेने के बाद सेम जो मेजरमेंट है कंपास में, उस 2 सेंटीमीटर से एक क्रॉस मार्क बनाएंगे यहां, फिर अगेन एक क्रॉस मार्क बनाएंगे यहां, फिर यहां रख के क्रॉस मार्क बनाओगे तो इट विल कम ऑन लाइन। ठीक है, तो अब ये वाला जो है एंगल, दिस इज अवर 60 डिग्रीज। ठीक है, यानी कि ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, यानी ये वाला एंगल आपका कितना आ गया 60 डिग्रीज का। अब हम इसको नेम कर देते हैं, दिस इज अवर ई
दिस इज आवर एफ। ठीक है, अब सेम जो 5 सेंटीमीटर हमने लिया था, क्योंकि वी हैव टू मेक 3 साइड्स ऑफ सेम साइड हैविंग सेम साइड, दैट मींस इक्वल। तो अब हमारा क्या हो गया, ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, सेम रेडियस लेंगे एंड वी विल मेक अ कट मार्क या, ठीक है, कट मार्क अगर हमने बनाया तो सपोज दिस इज अवर जी। तो अब ए से लेके जी तक का मेजरमेंट हमारा कितना हो गया, दैट इज अवर 5 सेंटीमीटर्स। कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये कितना एंगल हो गया, 60 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट, जहां ये कट मार्क लगा है वहां पर, वहां से इस बी पॉइंट को, जी एंड बी पॉइंट को अगेन हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। वॉट यू विल सी कि अगर आपने 5 सेंटीमीटर यहां लिया है, सेम 5 सेंटीमीटर यहां कट करो, यहां रख के भी अगर कट करोगे, यू विल गेट अ आर्क लाइक दिस। आप यहां से यहां तक ज्वाइन करोगे, यू अगेन गेट 5 सेंटीमीटर हियर। ठीक, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, दैट मींस 3 साइड्स इक्वल। नाउ अब बारी आती है आपकी एंगल्स की। एंगल 60 डिग्री हमने बना रखा, लेकिन हमने एक थ्योरम भी पढ़ा है, क्या है, इक्वल साइड्स हैं, देन देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। Therefore, angle A is equal to angle B is equal to angle G. That is equal to 60 degrees. ठीक है, तो आपका justification भी आप इसमें कर सकते हैं, क्या है, 3 sides of equal, है ना, justification हमारा same है कि अगर 180 डिग्रीज टोटल एंगल्स हैं, तो ईच एंगल कितना होगा, 60 डिग्रीज का। ठीक है, अगर एंगल्स आपके 60 डिग्रीज आ गए, यहां से लेके यहां तक आपने 5 डिग्रीज का बनाया, यहां से लेके यहां तक आपने वो बनाया 5 का, यहां से यहां तक 5 का आ गया आपका। ठीक, तो ये अगर 5 है तो ये भी आपका 5 होगा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंड आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं।